भगवान श्री कृष्ण का नाम हमेशा राधा जी के साथ लिया जाता है। आपको बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार की तरह ही राधा अष्टमी भी धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान शहर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर राधा बिहारी मचकुंड स्थित लाडली जगमोहन मंदिर स्थित अन्य मंदिरों पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के भजनों पर नृत्य भजन कीर्ति और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी को लेकर शहर के राधा बिहारी मंदिर पर नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह एवं पूर्व सभापति निशांत चौधरी ने जाकर भगवान श्री कृष्ण की आरती की। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के भजनों का महिलाओं के साथ बैठकर आनंद लिया गया। इस दौरान पार्षद सहनसा सिंह तोमर, स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि जीतू कंसाना, मंदिर के महंत बीजी पुजारी, श्याम बाबा स्वीट मिष्ठान भंडार के ओनर अजय अग्रवाल, राजेंद्र बाथम सहित अन्य लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का विशेष महत्व है। कहते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। पुराने कथाओं के अनुसार जो लोग राधा जी को प्रसन्न करते हैं उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि व्रत करने से घर में माँ लक्ष्मी आती है और मनोकामनाएं पूरी होती है।